नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं जी न्यूज। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 15 अगस्त का दिन हर भारतवासी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली। अब तक आप लोगों ने देश की आज़ादी से जुड़े हुए कई किस्से कहानियां सुने होंगे, लेकिन आज भी भारत की आज़ादी से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो अनसुनी हैं, अनकही रह गई। आज जी न्यूज पे आपको ऐसी ही 15 कहानियां सुनने को मिलेंगी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो जानना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं में भारत की आज़ादी का इतिहास और कई बड़े बड़े सबक छिपे हुए। आज जी न्यूज पर देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के और जाने माने सितारे ये 15 कहानियां सुनाएं। दोस्तों, देश के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे महात्मा गांधी। हमारे आजाद भारत का तिरंगा झंडा लाल किले पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लहरा रहे थे। उस समय उस क्षण को देखने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। आप देखिए क्यों महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली में नहीं थे, क्यों उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का पहला भाषण नहीं सुना। ये कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 1947 की रात को, जिसका इंतजार हर भारतवासी कर रहा था। उस रात को दिल्ली में बारिश हो रही थी। लोगों ने बारिश की परवाह नहीं की। 200 साल की गुलामी से आजादी मिलने की खुशी हर तरफ थी। आजादी वाली उस रात को 12 बजे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू देश को अपने ऐतिहासिक भाषण से जगा रहे थे, लेकिन गांधी जी ने वो भाषण नहीं सुना। उस दिन वो 9 बजे से ही सोने चले गए थे। वो कोलकाता के बेलिया घाट में लगभग खंडर हो चुकी हैदरी मंजिल नाम की हवेली में चुपचाप सोए हुए थे। बंटवारे की वजह से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत कराने के लिए वो 13 अगस्त 1947 को कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने हैदरी मंजिल को अपना ठिकाना बनाया था। हैदरी मंजिल एक अमीर मुसलमान सेठ की हवेली थी, जिसे उसने दंगे फसाद के हालात को देखते हुए खाली कर दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आजाद हुआ। हर भारतवासी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। आजादी के इस दिन का जश्न भारतवासियों ने एक उत्सव की तरह मनाया। देश में ऐसा उल्लास था जिसके सामने होली, दिवाली, दशहरा और ईद जैसे त्योहारों की खुशियां भी फीकी पड़ जाए। मिठाइयां बांटी गई, सबने घरों में अच्छा भोजन भी बनाया। कहा जाता है कि इस दिन महात्मा गांधी जी ने उपवास किया। क्या थी इसकी वजह, सुनिए ये अनसुनी कहानी। 15 अगस्त को हैदरी मंजिल में ठहरे गांधी जी अपनी जगने के तय वक्त से एक घंटा पहले ही, यानी सुबह के 2 बजे ही उठ गए थे। 15 अगस्त के उस दिन को उन्होंने उपवास रखा और अपने सचिव की याद में गीता पाठ कराया। 15 अगस्त की दोपहर को गांधी जी बेलिया घाट में एक मैदान में प्रार्थना सभा में गए, जहां हिंदू, मुस्लिम और समाज के हर तबके के लोग मौजूद थे। 15 अगस्त 1947 को एक लंबे संघर्ष के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो जो स्वतंत्रता के नायक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक 14 सदस्यीय कैबिनेट को प्रारूप एक अंतिम स्वरूप दिया। और कैबिनेट में जो लोग थे वो उस वक्त के जाने माने लोग, दिग्गज लोग, काबिल लोग, उन सबको रखा गया। वो जो जानकारी थी, वो जो लिस्ट थी कैबिनेट की, वो एक बंद लिफाफे में अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन को जब सौंपी, तो लॉर्ड माउंटबैटन ने जब वो लिफाफा खोल के वो लिस्ट देखा,
तो वो हैरान रह गए। अब इसके आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह की बात नेहरू ने अपने 13 मंत्रियों के नाम की लिस्ट का एक लिफाफा माउंटबेटन को दिया। माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उसमें एक सादा कागज था। दरअसल ऐसा गलती से हुआ था। नेहरू ने जिस लिफाफे में अपने 13 मंत्रियों के नाम वाला कागज रखा था, जल्दबाजी में उस लिफाफे की सादी लिफाफे से अदला बदली हो गई थी। हालांकि देश की पहली कैबिनेट में 14 मंत्री थे। दरअसल मौलाना आजाद चाहते थे कि कैबिनेट में पारसी समुदाय का भी प्रतिनिधित्व हो, लिहाजा पहली कैबिनेट में पारसी मूल के नॉन लीडर CH भाभा को भी शामिल किया गया। उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री सौंपी गई थी। आपको पता होगा कि हमारे भारतवर्ष में हर साल 15 अगस्त के दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते, भारतवासी राष्ट्रगान गाते हैं, हम सब भी गाते हैं। देश के प्रति बहुत प्यार है, देश के प्रति बहुत स्नेह है और हजारों लाखों बलिदानी हुई तब जाके हम लोग आजाद हैं। ये सबको तो पता ही है, पर आपको एक बात पता नहीं होगी, बहुत नई बात। खैर ये विषय हमारा नहीं है क्योंकि हम एंकर नहीं है, पर हमसे कहा गया है तो हम आपको बताना चाह रहे हैं और आपको पता भी नहीं होगा, हमको भी पता नहीं था। फिर हमने जब पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य लगा। पता है क्या, 15 अगस्त 1947 के दिन ना तो लाल किले के ऊपर झंडा फहराया गया ना ही राष्ट्रगान गाया गया। ऐसा क्यों हुआ था आपको पता करना है। ये अनसुनी कहानी, आओ सुनो ये अनसुनी दास्तान। हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, हालांकि 15 अगस्त 1947 को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराया था। उस दिन राष्ट्रगान भी नहीं गाया गया था। दरअसल जब देश का कोई अपना राष्ट्रगान था ही नहीं। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में ही जनगण मन लिख चुके थे, लेकिन इसे राष्ट्रगान बनाने का फैसला 1950 में ही हो सका था। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इसके बाद लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और इस दौरान भारत अंग्रेजों के ही फैसलों से चलता रहा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और भारतीयों को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन आपको पता है अंग्रेजों ने भारत में आखिरी फैसला कौन सा लिया था? भारत की आजादी से केवल 120 सेकंड पहले लिए गए इस फैसले की ये कहानी सुनिए। ब्रिटिश शासन के भारत के आखिरी वायसराय के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना आखिरी फैसला भारत की आजादी के ठीक 2 मिनट पहले किया था, यानी रात को 11:58 पर। यह फैसला था पालनपुर के नवाब की पत्नी को बेगम साहबा के खिताब से नवाजना। दरअसल पालनपुर के आखिरी नवाब ताली मोहम्मद खान बहादुर की 2 पत्नियां थी। उनमें एक पत्नी ऑस्ट्रेलियाई मूल की थी जिसने शादी के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इसके बावजूद उन्हें बेगम साहबा का खिताब नहीं मिला था क्योंकि ब्रिटिश सरकार की दलील थी कि वे भारतीय नहीं है। इस बात से नवाब ताले मोहम्मद खान ब्रिटिश सरकार से नाराज थे, जिससे वायसराय के रूप में अपने आखिरी फैसले पर दस्तखत कर लॉर्ड माउंटबेटन ने दूर कर दिया। भारत की आजादी से ठीक 73 दिन पहले ये तय हो चुका था कि भारत का विभाजन होगा, भारत का बंटवारा होगा, 2 देश बनेंगे, एक भारत एक पाकिस्तान, यानी एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। लेकिन भारत की आजादी की तारीख का फैसला लॉर्ड माउंटबेटन ने नहीं किया था। भारत को जो आजादी मिली
ये 15 तारीख को क्यों मिली? इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है? इस फैसले के पीछे की हकीकत क्या है? आप भी मेरे साथ सुनिए। सुलह समझौतों की तमाम कोशिशों के बाद 3 जून 1947 की शाम को 7:00 तय हो गया था कि भारत का बंटवारा होगा। इसकी जानकारी देने के लिए वायस रॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक भारतीय पत्रकार ने भारत की आजादी की तारीख पूछी। सवाल सुनते ही माउंटबेटन के चेहरे पर उलझन की लकीरें उभर आई। दरअसल उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की कोई तारीख तय नहीं की थी। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय हाथों में सत्ता अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। दरअसल इस तारीख के साथ माउंटबेटन की एक गौरवशाली याद जुड़ी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी दिन बर्मा के जंगलों में लंबे समय से चली आ रही लड़ाई का अंत हुआ था और जापानी साम्राज्य ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। हमारा भारतवर्ष सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त को आजाद हुआ। संपूर्ण देश के लिए ये दिन, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था और उस दौर के भारत के महान नेताओं पर सनातन परंपराओं का भी बहुत गहरा प्रभाव था। इसलिए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने बकायदा आज़ादी का मुहूर्त निकलवाया। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की आज़ादी का मुहूर्त किस ज्योतिषी ने निकाला और क्यों 15 अगस्त के दिन ही भारत की आज़ादी के लिए सबसे बेहतर दिन माना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर उज्जैन के प्रकांड ज्योतिषाचार्य सूर्य नारायण व्यास ने आजादी का मुहूर्त निकाला था। ये मुहूर्त 14 और 15 अगस्त की रात को ठीक 12 बजे का था। दरअसल ज्योतिषाचार्य सूर्य नारायण व्यास ने 14 और 15 अगस्त दोनों ही तारीखों का विकल्प दिया था, लेकिन मध्य रात्रि को 12 बजे के स्थिर लग्न नक्षत्र को देश के लोकतंत्र को स्थिर रखने वाला और ज्यादा लाभ वाला बताया था। उनके कहने पर ही आधी रात को ही एक खास मुहूर्त पर संसद को धोकर शुद्ध कराया गया था। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, माउंटबेटन ने कुछ ऐसे फैसले लिए बंटवारे के बाद जो हमें हिंदुस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री को, क्या वो फैसले माउंटबेटन के मानने पड़े? आजादी से पहले आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने नेहरू के सामने एक अजीब जिद की। वो आजादी की घोषणा के वक्त ब्रिटेन के झंडे को न उतारे जाने पर अड़ गए थे। माउंटबेटन के मन की बात भांपकर नेहरू ने कहा कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है और मैं चाहता हूं कि हर कोई हमारी खुशी में शामिल हो। अगर यूनियन जैक उतारे जाने को ब्रिटिश हुकूमत का अपमान मानकर आप दुखी होंगे तो ये झंडा यूं ही लहराता रहेगा। हमारे देश को जब आजादी मिली तो इसका जश्न बहुत धूमधाम से मनाया गया। उस दौर में भी ये ध्यान रखा गया था कि लोगों की खुशियां किस तरह से कई गुना बढ़ा दी जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कई बड़े बड़े ऐलान किए गए जो बच्चों, बड़ों और बूढ़ों को ध्यान में रखकर किए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन बूचड़ खानों और सिनेमा घरों को लेकर क्या फैसला किया गया? अगर नहीं तो देखिए ये कहानी। 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस ने देश भर में एक भी बूचड़खाना न खुलने की बात की, जिसे निभाया भी गया। यही नहीं, आजादी का जश्न मनाने के लिए देश भर के सभी सिनेमाघरों को फ्री करने का भी फैसला हुआ। दिल्ली में सभी स्कूली बच्चों को इंडिपेंडेंस मेडल के साथ मिठाइयां भी दी गई, जिनके लिए ये दिन और भी यादगार बन गया। जिस दिन भारत को आज़ादी मिली उस दिन देश के हर घर, हर बाजार, हर प्रतिष्ठान पर देश की शान ये तिरंगा लहरा रहा था। भारतीयों के लिए आज़ादी जहां गर्व का पल था, वहीं तिरंगा
देश की आजादी का प्रतीक। लेकिन मुंबई में एक बड़े बिजनेस घराने की बहू ने अपने घर पे भारत के तिरंगे के साथ साथ पाकिस्तान का भी झंडा लगाया था। सवाल उठता है कि वो कौन थी जिसने भारत की आजादी के दिन पाकिस्तान का झंडा भी लगाया, और क्या थी पाकिस्तान से उनके प्यार की वजह। सुनिए ये कहानी। मुंबई के पॉश इलाके कोलाबा में रहने वाले डीना वाडिया दुविधा में थी कि वो आजादी के जश्न कैसे मनाए। दरअसल वो देश के विभाजन के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी और भारत की बड़े बिजनेस घराने वाडिया परिवार की बहू थी। वो जिन्ना के कहने पर भी पाकिस्तान नहीं गई, जिससे जिन्ना बहुत आहत हुए। हालांकि दोनों ही देशों से मोह और सम्मान की वजह से उन्होंने अपने फ्लैट की बालकनी पर भारत और पाकिस्तान दोनों का ही झंडा फहराया था। देश की आजादी और विभाजन की कहानियां लगभग एक साथ लिखी गई। जहां आजादी की खुशी थी, वहां विभाजन का दर्द भी भारत को सहना पड़ा। लेकिन इस विभाजन की एक खुशी पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को थी, लेकिन इस खुशी की वजह क्या थी? वो एक तस्वीर जो जिन्ना ने खुद बनाई थी और उस तस्वीर के जरिए एक संदेश दिया था। इस तस्वीर का सच सामने आया और इस तस्वीर को डिकोड किया अंग्रेज के एक अफसर ने, और उससे पता लगा कि इस तस्वीर और इसका संदेश क्या है। सुनिए इस संदेश की, इस तस्वीर की सच्चाई, इसका संदेश। 47 में जून के महीने में बंटवारे को लेकर रायसीना हिल्स में पार्टीशन काउंसिल की बैठकें हो रही थी, जिसमें मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस के नेताओं समेत तमाम हस्तियां शामिल होती थी। जून के तीसरे हफ्ते में पार्टीशन काउंसिल की ऐसी ही एक बैठक में जिन्ना पूरे वक्त चुप रहे। दिल्ली में 2 घंटे तक चली उस बैठक में जिन्ना लगातार कुछ चित्र बनाते रहे। मीटिंग के बाद वो कागज वही मेज पर छूट गया। वो कागज माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार कैंपबेल जॉनसन के हाथ लगा। उसे देखने के बाद जॉनसन ने कहा था कि मैं मनोवैज्ञानिक होने का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कागज पर उतारी गई इन तस्वीरों में सत्ता और ताकत की झलक दिखती है। मोहम्मद अली जिन्ना, एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान के लिए हीरो लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा विलन। इनकी खुद की महत्वाकांक्षा इतनी कि एक देश का विभाजन इन्हें स्वीकार था। इन्हें एक सिगार बड़े पसंद थे, और ये इनके सिगार की जो पसंद थी वो जग जाहिर कैसे हुई, और माउंटबेटन ने इन्हें किस किस तरह के तोहफे दिए, ये सब आप जान सकते हैं अनसुनी कहानियों में। जब भारत और पाकिस्तान के तौर पर दुनिया के नक्शे पर दो नए मुल्क की लकीरें खींचने के लिए बैठे के चल रही थी, तब भी जिन्ना को अपने खत्म हो रहे सिगार के स्टॉक की फिक्र सता रही थी। जिन्ना ने 28 जून को देहरादून में किसी यूनुस को लिखा कि मेरे सिगार की पेटी खो गई है, वो इसके बारे में पता लगाएं। हालांकि जिन्ना ने जब भारत से विदा ली तो उन्हें उनकी पसंद के कई तोहफे मिले। माउंटबेटन ने भारत से जाते हुए जिन्ना को 2 गिफ्ट दिए, पहला अपना ADC एहसान अली और दूसरा रॉयल्स रॉयस कार। वायसराय ने जिन्ना को कराची भेजने के लिए अपना स्पेशल DC-3 एयरक्राफ्ट भी दिया। विमान की आखिरी सीढ़ी से जिन्ना ने दिल्ली को निहारा, आसमान की तरफ देखा और अपने ADC सैयद एहसान अली से धीरे से कहा कि शायद ये आखिरी बार है जब मैं दिल्ली की तरफ देख रहा हूँ। 14 अगस्त का वो दिन, देश विभाजित हो गया, दर्द दे गया, पीड़ाओं के साथ मानस पटल पर गहरे जख्मों की यादें। भारत और पाकिस्तान में किसको क्या मिलेगा, खूब माथापच्ची हुई। सरकारी जायदाद, दफ्तरों की जायदाद, उनका बंटवारा किस तरह से होगा, आइए देखिए इस दिलचस्प कहानी के माध्यम से। आज राष्ट्रपति जिस बग्घी से आते हैं वो जायदाद के बंटवारे में भारत को मिली और पाकिस्तान हाथ मलता रह गया।
दरअसल अविभाजित भारत की जायदाद से किसे क्या मिलेगा, ये तय करने की जिम्मेदारी दो नौकरशाह चौधरी मोहम्मद अली और एचएम पटेल को सौंपी गई थी। ये काम आसान नहीं था। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों को सरदार पटेल के बेडरूम में बंद कर दिया गया कि वहाँ बैठकर दोनों किसी नतीजे पर पहुंचे। आखिरकार तय हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के सरकारी दफ्तरों की जायदाद के 80% पर भारत का हक होगा और 20% पर पाकिस्तान का। लेकिन पूरा मामला एक बग्घी को लेकर अटक गया। सोने और चांदी से बनी इस बग्घी को तोड़ कर तो नहीं बांटा जा सकता था। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि सिक्का उछालकर इसका फैसला किया जाए। लिहाजा टॉस हुआ और फैसला भारत के हक में गया। 1956 के बाद लोगों को विश्वास हो गया था कि इस देश को स्वतंत्र हम करा सकते हैं। उसके बाद से जिस जज्बे से हमारे नौजवानों ने काम किया है, अपने आप को बलिदान दिया, तो जल्दी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी देश आ जाए, अंग्रेजों को भगा दें। 15 अगस्त के पहले ही बम्बई की एक ऊंची इमारत पर कुछ लोगों ने तिरंगा फहरा दिया था। कौन सी थी वो इमारत, कौन थे वो लोग, सुनिए अंशुली दास्तान। अगस्त का महीना शुरू होते होते देश पर आजादी का रंग चढ़ने लगा था। लोग एक भी दिन के लिए अंग्रेजों की हुकूमत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। इन्हीं हालात के बीच 4 अगस्त को मुंबई के ताज होटल ने अपनी छत पर तिरंगा फहराने का फैसला किया। इसी तारीख से होटल ने ब्रिटिश राज की सलामती के लिए बजाया जाने वाला रिकॉर्ड गॉड सेव द किंग को भी बजाना बंद कर दिया। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए खास है। देश का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए अविस्मरणीय है और सदैव मन को प्रफुल्लित करने वाला है। क्या आपको मालूम है, भारत के अलावा 5 और देशों का भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही है। 15 अगस्त सिर्फ भारत की ही आजादी का दिन नहीं है, 4 और मुल्क इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनमें शामिल है दक्षिण कोरिया, जिसे 15 अगस्त 1945 को जापान से आजादी मिली। अफ्रीकी मुल्क रिपब्लिक ऑफ कांगो को 1960 में फ्रांस से आजादी मिली। 1971 में बहरीन को ब्रिटेन से आजादी मिली। वही दुनिया का 6वें नंबर का सबसे छोटा देश लिंकटनस्टाइन 1866 में जर्मन कब्जे से आजाद हुआ था। भारत की आजादी से जुड़ी ये 15 कहानियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। इन कहानियों में भारत के लिए गर्व भी है, शपथ भी है, सबक भी है और प्रेरणा भी। ये कहानियां हमें सदियों की गुलामी के बाद मिली आजादी का मोल भी सिखाती है। इन कहानियों को सुनने के साथ साथ हमें ये शपथ भी उठानी चाहिए कि अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए हम हर पल और हर क्षण योगदान देने में पीछे नहीं हटेंगे और नए भारत के साथ और नए भारत की हर कहानी को चमकदार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कभी।